हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप में हम लोग कर रहे थे भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड का। तो आज मैं लेकर आई हूँ इसका पार्ट टू, GS पेपर 1 पॉइंट नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं। और इसका PDF जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और बहुत सारी पहले से ही मौजूद हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करती हूँ। प्राचीन भारत में हम लोग करेंगे यहाँ पर हड़प्पाई कला। आज का जो टॉपिक होगा जो होगा हड़प्पा में कौन कौन सी कला है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, उसके बारे में हम टेक्स्ट देखेंगे। एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और आज के लेसन हम क्या देखेंगे। हमने मूर्ति कला के बारे में देखा था, वास्तुकला क्या होती है, भारतीय वास्तुकला को देखा था, और आज हम देखेंगे कि हड़प्पाई कला और वास्तुकला ये क्या है, इनमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं और कैसे कैसे ये हमारे देश में फैली हुई हैं। तो जो हड़प्पाई कला और वास्तुकला में ईसा पूर्व जो तीसरी सहस्राब्दी है वहाँ पे सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का उद्भव हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और ये जो खुदाई शुरू हुई पहले तो एक छोटे से एरिया में हुई, उसके बाद ये आगे चलकर पश्चिम भारत के विशाल भागों में फैल गई, जिसमें आज का पाकिस्तान भी आता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें बहुत सारी जीवन की कल्पनाएं, कलात्मक संवेदनशीलता मिलती है, जो मिलती है हम लोग को मूर्तियों के रूप में, मोहरों के रूप में, मृदभांडों के रूप में, आभूषणों के रूप में, हमें वहाँ की सभ्यता और कला का पता चलता है। और यहाँ से दो प्रमुख स्थल हैं जो सबसे पहले हमें मिले थे, वैसे तो बहुत सारे स्थल यहाँ पे मिले हैं जो प्रमुख हैं और सबसे पहले आरंभिक स्थलों में हैं, वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो कि नगर नियोजन में सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। आरंभिक स्थलों में सड़कों का नियोजन, नेटवर्क, जल निकास की प्रणाली, ये सब इस युग में, जैसे इस समय आज के इंजीनियरिंग का काम होता था, उस समय भी ऐसा ही किया गया था कि किसी इंजीनियर ने बनाया हो, इस टाइप की वास्तुकला की प्रणाली थी। तो चलिए हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके पुरातात्विक खोजों के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में ये टर्म्स आप लिखेंगे और उसके बाद अगर आप मेंशन कर देते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पर मिली हुई हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान पाकिस्तान में, जो कि हड़प्पा है इस समय। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही वैसे तो इंडिया में खोजे गए थे, बट इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं वो हैं विशाल चबूतरों वाले अन्नागारों की, मतलब कि जो अनाज रखने वाले की, वहाँ दो कतारें मिली हैं। लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक मिले हैं, मिट्टी के प्रतीक मिले हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं हड़प्पा से। तो ये चीज़ें आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कहाँ क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। लकड़ी की ओखली में गेहूँ और जौ प्राप्त हुआ है, पासा यहाँ से प्राप्त हुआ है, ताम्र तुला यहाँ से प्राप्त हुए, तांबे की तुला, दर्पण यहाँ से प्राप्त हुआ है, कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है, पाषाण की नग्न नित्यांगना की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष का धड़ इसी स्थल से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा स्थल से। तो आपको ऑप्शंस के साथ कुछ भी दे दिया जाएगा और बोलेगा इनमें से क्या हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और इनमें से क्या हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको पूरा आंसर अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप लिख पाएंगे। और इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच को ज्वाइन करें पेज को। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी जो चीज़ें मिली है वो स्नानागार मिला है और अन्नागार मिला है, जो दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और वहाँ पर मिला है दाह संस्कार करने के पश्चात जो सवाधान होते हैं वो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है।
विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है यहाँ पर धौलावीरा से, जो गुजरात में पड़ता है। जल दोहन की यहाँ प्रणाली मिली है हमें, बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी जल दोहन की प्रणाली है। स्टेडियम प्राप्त हुआ है यहाँ से, बांध और तटबंध हमें मिला है। विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेतों वाला अभिलेख मिला है, मतलब कि वहाँ इतना बड़ा अभिलेख मिला है जिसमें संकेत लिखे गए हैं, बट वो अभी तक संकेत पढ़े नहीं गए हैं हमारे द्वारा। तो ये चीजें धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हुई हैं। आगे हम बात करेंगे लोथल गुजरात की, जिसे हम पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है, पोर्ट ऑफ एंशियंट इंडिया। तो यहाँ से हमें गोदीवाड़ा मिला है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है ये लोथल की है। यहाँ से हमें दोहरा सवाधान मिला है, धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है, अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, चित्रित मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुआ है, आधुनिक शतरंज यहाँ से मिले हैं, जहाज और घोड़े की टेराकोटा की आकृति मिली है, और कोण मापने वाले उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से जो चीजें ऑप्शन में आएंगी आप याद रख सकते हैं लोथल से प्राप्त हुए हैं हम लोगों को। चलिए आगे बात कर लेते हैं पंजाब में रोपण की। तो रोपण जो पंजाब में स्थित है वहां से मिले हैं, अंडाकार गड्ढे में मानव शवाधान के साथ दफन कुत्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार प्री एग्जाम्स में पूछा गया है कि कुत्ते एक को मानव के साथ दफन कहाँ किया गया है, तो वो मिला है रोपड़ में। राजस्थान में 2 स्थल हैं, बालाथल और कालीबंगा। तो वहां से मिला है चूड़ी का कारखाना, खिलौने की गाड़ियां जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है इस टाइप से गाड़ियां मिली हैं। और मिले हैं हमें ऊंट की हड्डियां मिली हैं यहाँ से, अलंकृत ईंटें मिली हैं यहाँ से, नक्काशी की गई ईंटें। गढ़ी और निचला नगर कालीबंगा और बालाथल से मिला है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि गढ़ी क्या है और निचला नगर क्या होता है। ऐसे ही गुजरात में सुरकोतड़ा जो है वहां से घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्री में पूछा गया है। हरियाणा में जो बनावली है, ये बनावली की पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ खिलौना मिला है, जौ मिला है, अंडाकार आकार की बस्तियां मिली हैं, ये आप देख सकते हैं अंडाकार आकार की बस्तियां हैं, और अरीय गलियां मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली गलियां यहाँ पर मिली हैं। उत्तर प्रदेश में एक आलमगीरपुर स्थल है, वहां पर मिला है नाद पर कपड़े की छाप मिली है, मतलब कि कपड़ा उस समय हम प्रयोग में ला चुके थे, तो इस टाइप की चीजें वहां पर प्राप्त हुई हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो वास्तुकला है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। अभी जो हमने बात की वो हम प्री में लिखेंगे, प्री में कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, और ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं ये भी प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला पर प्रकाश डालिए, तो आप एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने किया है, ऐसा आप कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें शो कर सकते हो। और ये जो मैंने पॉइंटर्स दिए हैं इसको आप डिस्क्राइब करोगे तो ये आपका मेंस का आंसर पूरा बन जाएगा। मैंने सिर्फ वन लाइनर में आपको एक आइडिया दिया है कि आप ये चीजें मेमोराइज कर सकते हो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के रूप में। तो हड़प्पा सभ्यता जो है और मोहनजोदड़ो की अवशेष हैं वो नगर नियोजन में उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा नगर नियोजन था जो आज के सिनेरियो में भी देखने को नहीं मिलता। वहाँ का जो नगर नियोजन था वो आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, मतलब कि आयताकार बनाया जाता था, फिर वहाँ सामने सड़कें बनाई जाती थी, उसके आगे नालियाँ बनाई जाती थी। तो बहुत ही मतलब कि इंजीनियरिंग बेस्ड वहाँ पर काम किया गया था। सड़कें जो थी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती थी, मतलब कि ऐसे और इस टाइप से एक दूसरे दिशा में जाती थी, और यहाँ पर जैसे समकोण पर एक दूसरे को ये सड़कें काटती थी। विशाल सड़कें नगरों को अनेक खंडों में विभाजित करती थी, मतलब अगर बहुत सारी सड़कें होंगी, मान लीजिए एक सड़क यहाँ है तो एक नगर यहाँ पे बस गया, फिर दूसरा नगर इस साइड में बस गया, इस साइड में बस गया, तो बहुत सारे नगरों में यहाँ विभाजन हो गया था। और जब छोटी छोटी सड़कें थी उनका उपयोग अलग अलग घरों और बहुमंजिला इमारतों को जोड़ने में यहाँ किया जाता था। उत्खनन में हमें मुख्य प्रकार से 3 प्रकार के भवन मिले हैं, एक है निवास गृह, दूसरा है सार्वजनिक भवन, और तीसरा है सार्वजनिक स्नानागार। ये 3 तरह के हमें भवन यहाँ पर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। निर्माण के लिए हड़प्पा के लोग मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी की पकी ईंटों का उपयोग करते थे, मतलब कि नाप जो के मतलब वो प्रॉपर नाप थी उसकी, उनका उपयोग वो लोग करते थे यहाँ पर।
और जो ईंटें होती थी उनको जब बिछाया जाता था ऐसे, तो उनको जोड़ने के लिए जैसे आज के डेट में सीमेंट का उपयोग किया जाता है, उस समय उस किया जाता था जिप्सम के गारे का उपयोग किया जाता था। नगर दो भागों में विभाजित था, एक था गढ़ जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, और दूसरा था निचला नगर। पश्चिमी भाग में ऊंचाई के ऊपर स्थित जो गढ़ था, गढ़ पश्चिम में था और निचला नगर पूर्व में स्थित था। गढ़ में विशाल भवन थे, जैसे अन्नागार था, यहाँ पर प्रशासनिक भवन था, स्तंभों वाला हॉल था, आंगन आदि के लिए गढ़ का यूज किया जाता था। और गढ़ी में स्थित कुछ भवन थे वो उस समय माना जाता है, प्रॉपर अभी मिले तो नहीं हैं, जो हमें खोजबीन की है उसमें साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, बट माना जाता है शासकों और जो बड़े बड़े वर्ग थे, अभिजात वर्ग, उनका उनके यूज के लिए वो भवन बनाए गए थे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें जो अन्नागार था, वहाँ पे ऐसे अन्नागार बनाए गए थे जहाँ हवा पास हो सके, ऊंचे चबूतरों पे डिजाइन किया गया था कि ज्यादा ऊंचे रहेंगे तो हवा ज्यादा अच्छे से वहाँ पास हो पाएगी, और अनाज, अगर हवा पास हो पाएगी तो अनाज हम उसमें रखेंगे तो कीड़े भी नहीं लगेंगे और कीड़ों से वहाँ सहायता भी हो सकती है। हड़प्पाई नगरों की जो मुख्य विशेषता थी, वहाँ के सार्वजनिक स्नानागार थे, बहुत ही जैसे कि सार्वजनिक मतलब बहुत लोग उसे यूज कर सकते थे। और ये स्नानागार का जो उत्खनन हुआ है वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में बहुत ज्यादा स्नानागार प्राप्त हुए, यहाँ कोई दरार नहीं मिली है, कोई रिसाव नहीं मिला है, मतलब कि आज की डेट में वो इतना अच्छा बना हुआ है कि पता चलता है कि किसी इंजीनियर ने प्रॉपर उसे डिजाइन करके वहां पर बनाया था। अब निचले नगर की बात कर लेते हैं। वहाँ निचले नगर में एक कक्षीय मतलब कि एक कमरे के भवन मिलते थे वहाँ पे, और लगता है कि श्रमिक वर्गों के लोगों के लिए वहाँ बनाया गया था। प्रॉपर अभी साक्ष्य नहीं मिले हैं, बट जैसे नगरों का वहाँ पर आयोजन हुआ है, जैसे संचालन हुआ है, उससे लगता है कि गढ़ जो है सवर्णों के लिए बनाया गया था, अच्छे वर्गों के लिए बनाया था, और निचला जो नगर है वो श्रमिक वर्गों के लिए बनाया गया था। कुछ घरों में यहाँ पर सीढ़ियाँ भी मिली हैं, जिससे जैसे लगता है कि अगर एक मंजिल या दो मंजिल भी फ्लोर्स भी थे वहाँ पर। और अधिकांश जो भवन थे वहाँ पे कुएं मिले हैं, स्नानागार मतलब पर्टिकुलर घर के अंदर भी कुएं और स्नानागार मिले हैं, और वायु संचार की यहाँ उचित व्यवस्था भी मिली है हम लोगों को। हड़प्पा सभ्यता की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विशेषता थी वो थी उन्नत जल निकास की व्यवस्था। प्रत्येक घर से जो निकलने वाली छोटी छोटी नालियाँ थी वो मुख्य सड़क के साथ चलने वाली जो बड़ी नालियों से जुड़ी हुई थी, मतलब कि जैसे आज की होता है शहरों में वैसे ही। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बड़ी नाली है, तो ये बड़ी नाली यहाँ पर बनाई गई है, तो छोटी छोटी नालियाँ घरों से जो निकलती थी वो यहाँ पर इससे मिलती थी आके ऐसे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी, नियमित यहाँ साफ सफाई होती थी, रख रखाव के लिए नालियों को ढका भी गया था, मतलब जैसे ऊपर एक पट्टी टाइप में लगाई गई थी कि जिसे वापस उठा के उसकी साफ सफाई कर दी जाए और वापस वहां पे ढक दिया जाए। निर्मित जो मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे यहाँ पर सिस्पिट बनाए गए थे ताकि उसे उठा के सफाई करके वापस वहां ढक दिया जाए। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर यहाँ बल दिया गया था, जो कि आज की डेट में भी हम लोगों को नहीं मिलता वहां पर। मतलब जो भी खुदाई हुई है प्रॉपर बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ें मिली हैं, कि नियमित चीज़ें मिली हैं, ये नहीं कि कोई चीज़ कहीं है कोई चीज़ कहीं है, प्रॉपर एक अच्छे वे में व्यवस्थित रूप से चीज़ें पाई गई हैं। तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के बारे में जाना कि वहाँ नगर कैसे थे, स्नानागार कैसा था, और वहाँ अन्नागार किस टाइप से मिले हैं, इस सब के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो हमें हम देखेंगे मूर्तियों मोहरों के बारे में, जो वहाँ की वास्तुकला का है एक दूसरा उदाहरण मिलता है हमें। तो उसके लिए हम मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।